हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा लैपटॉप हमें खरीदना चाहिए। काफी सारे लोगों ने हमें यूट्यूब पे कमेंट किया, सर लैपटॉप कौन सा हमारे लिए सुटेबल होगा उसके बारे में वीडियो बताइए। तो हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सुटेबल होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो अभी तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ लाल बटन पे क्लिक करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहली चीज है कि जब भी हमें लैपटॉप लेना होता है हम यूट्यूब पे रिव्यू देखते हैं, हम उसका पूरा पता करते हैं, ऑनलाइन में पूरा देखते हैं कि अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे कि कौन सा लैपटॉप हमें लेना चाहिए। बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि हमें लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। तो हम बहुत डीप में नहीं, आपके लैंग्वेज में हम सारा चीज समझाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। सबसे पहला बात यह आता है कि हमें किस कंपनी का प्रोसेसर लेना चाहिए। तो सबसे जो फेमस कंपनी है वो दो कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। एक है AMD प्रोसेसर, जो AMD है वो एक कंपनी है। दूसरा आता है इंटेल का। AMD का भी बहुत सारे कैटेगरी, ऐसा नहीं AMD प्रोसेसर खराब होते हैं, लेकिन कंपेयर किया जाएगा इंटेल से तो इंटेल का प्रोसेसर काफी अच्छा माना जाता है। इंटेल में कई सारे कैटेगरी बना हुआ है, जैसे कि डुअल कोर, इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, कोर i10, बहुत सारे कैटेगरी इनके बने हुए हैं। अब बात आती है कि क्या आपका यूज है। अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो सबसे पहली चीज है कि आपको यूज क्या है। ये कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा कि आप i5 खरीदेंगे उसका लाइफ लाइन बहुत दूर तक रहेगा, यानी बहुत दिन तक चलेगा, खराब नहीं होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा क्या यूज करना है। उसमें बहुत सारा वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर ऑफिशियल में वेब ब्राउजर आपको करना है, ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करना है, या फिर आपको मूवी देखना है, क्या करना है, वो पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण लैपटॉप में होता है या फिर कंप्यूटर में होता है, वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम ये होता है, वो डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देने का काम करता है। कोई भी काम करते हैं तो वो प्रोसेसर जो होता है उसे प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट देने का काम करता है। अगर आप एक जेन्युइन ऑफिशियल काम करना चाहते हैं, नेट सर्फ करना चाहते हैं, ब्राउजर यूज करना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, तो आपके लिए i3 प्रोसेसर, कोर i3 प्रोसेसर सबसे सुटेबल होता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, कुछ गेम खेलना है, तो आपके लिए ये कोर i5 प्रोसेसर सबसे बढ़िया माना जाएगा। अगर आपको हाई लेवल पे काम करना है, जैसे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, कोरल ड्रॉ पे काम करना है, फोटोशॉप के डीप में काम करना है, 4K वीडियोज को एडिट करना है, तो आपके लिए i7 प्रोसेसर सबसे बेटर माना जाता है। प्रोसेसर का मतलब होता है जितने कोर बढ़ते हैं उतना उसका प्रोसेसिंग करने का क्षमता अधिक होता है। रैम जो होता है i3 के साथ 4GB रैम ऑलरेडी आता है, और i5 के साथ भी 4GB आता है, 8GB आता है, तो आप उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि उसमें रैम का क्या रोल होता है। कोई भी लैपटॉप लेते हैं तो उसमें रैम का क्या रोल होता है। सपोज करिए एक साथ आप कई सारे एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। सपोज करिए कि आप एक लैपटॉप में वेब ब्राउजर ओपन किए हैं, उसके साथ साथ मूवी भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ फेसबुक भी चैटिंग कर रहे हैं आप, तो ये सारा जो काम होता है ना वो रैम पे काम होता है। यानी रैम का अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो आपका लैपटॉप हैंग नहीं करेगा, आपका लैपटॉप अच्छा काम करेगा। लेकिन i3 4GB रैम के साथ इतना काम आप कर सकते हो। उसके बाद से अब बात करेंगे जो उसमें HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, उसका क्या यूज होता है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, यानी सपोज करिए कि कोई भी जब हम काम करते हैं, सपोज करिए कि आप एक्सेल में पूरा काम कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वो रैम पे काम हो रहा है। जब भी हम कंट्रोल यस बटन प्रेस करते हैं, जब वो सेव होता है तो डेटा कहाँ जाता है, वो हार्ड ड्राइव में जाता है। तो जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में जो भी हम मूवी गाना को डाउनलोड करके जहां पे रखते हैं वो मेमोरी कार्ड में रखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव होता है वो
हार्ड डिस्क में सेव होता है उसको हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि उसको कल भी अगर हम खोलते हैं तो वो डेटा हमारा अवेलेबल होता है। लेकिन एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हो, लाइट चली गई या फिर कट हो गया, तो वो सारा काम हमारा नुकसान हो जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसका ये काम होता है। अब हार्ड डिस्क में भी आजकल दो टाइप के हार्ड डिस्क आते हैं, एक आता है SSD हार्ड डिस्क, दूसरा आता है आपका HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD हार्ड डिस्क इसके कंपेयर में दो गुना काम करता है, यानी जो उसमें विंडोज की लोडिंग जो क्षमता है इस हार्ड डिस्क से दो गुना है। तो आपको अगर SSD लगा हुआ मिल गया लैपटॉप तो वो और बेटर है, वो एकदम हैंग नहीं करेगा, बेहतर परफॉर्मेंस देगा, आपका लैपटॉप काफी सुटेबल होगा, बहुत शानदार चलेगा। तो वो चीजें आप ले सकते हो। अब बात आती है कि हमें जेन्युइन विंडो के साथ लेना चाहिए या फिर DOS DOS के साथ लेना चाहिए, इसमें कोई मैटर नहीं करता। देखिए जब आप जेन्युइन लेते हैं तो बार बार अपडेटिंग आता है, आपको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन जेन्युइन बेटर है क्योंकि उसमें सारे विंडो जेन्युइन होते हैं, सारे जो सिक्योरिटी होता है वो खुद कंपनी के थ्रू वो अपडेट होता रहता है। जो डॉस होता है उसमें लोग अपने हिसाब से विंडोज को इंस्टॉल कराते हैं, मैक्सिमम लोग उसमें क्रैक वर्जन इंस्टॉल कराते हैं, विंडोज 7 का क्रैक वर्जन, विंडोज 8.1 का, 10 का, सब लोग क्रैक यूज करते हैं। क्रैक में कोई अपडेट नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी उसमें आपको नहीं मिलता, लेकिन मैक्सिमम लोग क्रैक वर्जन ही यूज करते हैं। कई लोग जेन्युइन लेते हैं फिर उसको पूरा फॉर्मेट करा देते हैं, फिर लास्ट में जाकर के वो क्या करते हैं, क्रैक वर्जन ही इंस्टॉल करते हैं। इसमें कोई बहुत मैटर नहीं करता है, जो हमने बात बताई है वो चीजें आप यूज कर सकते हो। AMD प्रोसेसर अगर आपको 20-22 हजार के अंदर में लैपटॉप चाहिए, कम बजट में चाहिए, हल्का फुल्का काम है, तो आप AMD प्रोसेसर भी ले सकते हैं। AMD में राइजन प्रोसेसर आया है जो कि कोर i3 के कंपेयर में उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो वो भी आप ले सकते हो, वो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने काफी सारे लोगों को दिलाया है, परफॉर्मेंस काफी बेटर है, वो आप जाके चूज कर सकते हो। अब ये बात आती है कि कौन से कंपनी का हम लैपटॉप लें। अब उसमें आपको पता ये होना चाहिए किसकी सर्विस अच्छी है, किसका सर्विस सेंटर लोकल में है, वो लैपटॉप लीजिए। जैसे देखिए इंटेल प्रोसेसर ना सब कंपनियां बनाती हैं, आप एसर में, HP में, सब में ले सकते हैं। मोस्टली जो फेमस जो कंपनी है आपका डेल है, HP है, लेनेवो है, एसर है, उसके बाद से आपका बहुत सारे और कंपनियां हैं जैसे कि आपका आसूस है, ये सारी चीजें आप चूज कर सकते हैं, जो आपको इच्छा हो, जिसमें आपकी सर्विस अच्छी मिले, जिसमें आपको पैसे की बचत हो, आप ले सकते हो, उसमें कोई रिजर्वमेंट होता है। वारंटी भी आप देख सकते हो किसकी वारंटी 1 साल है, किसकी वारंटी आपको 3 साल मिलती है, वो सारी चीजें आप वहां पे जाके समझ सकते हो। आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि मुझे कौन सा यूजेज में होनी चाहिए, क्या हमारा यूज है, वो प्रोसेसर हमें लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।